नमस्ते ESGSians, मेरा जो स्पीच है वो शायद हिंदी में होगा क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट पेट्रियाटिज्म, सो पेट्रियाटिज्म हमेशा हिंदी में ही अच्छा लगता है. आई रिक्वेस्ट everyone टू बी हियर, यहाँ पर सभी लोग आ जाइए, क्योंकि मैंने कोई ऐसा स्पीच नहीं बनाया है, एक पोएम बनाई है जो ESGS पे है. सो आज सुबह जब मैं बच्चों को स्कूल में ड्रॉप कर कर आई और मैंने सोचा कि आज मतलब हमारा एनुअल डे है, सो आज मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि 2-3 दिन से लगातार लेट नाइट चल रहा है कमिंग और बहुत सारे इवेंट्स बैक टू बैक थे, KBL था एंड ऑल, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा लेटती हूँ. और मैंने केम जब मैं लौटी घर तो एक सपने की शुरुआत हुई और उस सपने में कोई एक लेडी आती है वाइट लाइक नो साड़ी पहन के, ड्रिप करके, क्राउन पहन के, शायद उसमें ब्लू कलर के कुछ लाइनिंग्स हो. एंड मैं पूछती हूँ कि आप कौन हैं? तो मैंने हमेशा सुना है कि यू नो धरती माता होती है, भारत माता होती है, बट मैंने पूछा कि आप कौन हैं? तो वो कहती है कि मैं ESDS हूँ. तो मैंने कहा ESDS, तो वे कहती हैं कि मैं जानने की नहीं मानने की चीज़ हूँ. तो मैंने कहा कि कैसे? तो कहते हैं कि हम भगवान को जानते नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, लेकिन हम उन्हें मानते हैं. तो वैसे ESGS जो है, मतलब मैं जो हूँ, वो एक जानने की नहीं मानने की चीज़ हूँ. तो मैंने कहा कि आप कैसे बनी हो? मैंने ये सपने में पूछा और उन्होंने ये जवाब दिया. इस पोएम के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि जब ESGS जो माँ है वो कहती है कि मैं एक तप हूँ, मैं एक मेहनत हूँ, मैं एक आशा हूँ और मैं एक लक्ष्य हूँ उन सभी लोगों के जिन्होंने मुझे बनाया है. एक किसान का बेटा 70 घंटे नॉनस्टॉप काम करके रिकॉर्ड बनाने वाले अशोक पोमनार से मैं बनी हूँ. ESDS विराज नेवर से बनी हूँ, जिसने विंडोज में झाकर विंडोज सीखने वाले और उसमें इमारत हासिल की है. ESDS में 1,000 लोगों को ट्रेन करके उन्हें मुकाम पर पहुंचाने वाले और वह रिजाइन करे तो शून्य से फिर से शुरुआत करने वाले जहांगीर आलम से बनी हूँ. मैं बनी हूँ उस टेक्नोलॉजी के पैशन और हार्डवर्किंग की मिसाल रखने वाले संतोष उगले से. ESDS में मैं बनी हूँ नरेंद्र भोले से, जिसने डेवलपमेंट के मैजिक से ई मैजिक बनाया है और फार्मरूद के अमृत बनाने का सपना रखने वाले नरेंद्र भोले से मैं बनी हूँ. ESDS पर अटूट सैप सिस्टम में इंटरेस्ट रख के मास्टरी हासिल करने वाले पुरुषोत्तम अहेर से मैं बनी हूँ. सुबह उठकर 5 बजे घर से निकलना और रात में घर लौट आना और अगले दिन सुबह 5 बजे फिर से निकलना ताकि अगले कस्टमर की मीटिंग करके ऑर्डर हासिल करने वाले संदेश सोनार से मैं बनी हूँ. कभी एडमिन में काम कर, कभी HR में काम कर, कभी फिनेंस में काम कर, लेकिन कभी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी तो सेल्स में टॉप परफॉर्मर का अवार्ड हासिल करने वाले चेतन चंडोल से मैं बनी हूँ. एनर्जी की यहाँ कमी नहीं है क्योंकि सारे भारत का गौरव प्रोजेक्ट EESL ESDS में लाने की क्षमता रखने वाले संचित तरैया से मैं बनी हूँ. और भारत जिसमें तत्पर है ऐसे NHI प्रोजेक्ट को लाने वाले महावीर गोयल से मैं बनी हूँ. छोटा समझ करना, छोटे बच्चे मतलब छोटे लोग सेल्स नहीं कर सकते, यंग लोग सेल्स नहीं करते हैं, ये कहना गलत होगा क्योंकि लोकेश शर्मा जिसने ESDS के टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में से 2-3 बड़े सबसे प्रोजेक्ट्स लाने वाले, इतनी कम उम्र में लाने वाले लोकेश शर्मा से मैं बनी हूँ. मैं बनी हूँ उस हुसैन से जिसमें जाकर भी कोई बुराई नहीं ढूंढ सकता है. एंग्री कस्टमर्स का गुस्सा फर्स्ट टाइम में एब्जॉर्व करके सपोर्ट को कुशन देने वाले स्टीवन कामले से मैं बनी हूँ. मैं सेल्स फोक के कमिटमेंट को ऑनर करने वाले हरीश गोडसे से बनी हूँ. ESDS की मधुर आवाज़ से अपने कस्टमर्स का दिल जीतने वाले सना शेख से मैं बनी हूँ. मैं बनी हूँ ESDS की कोकिला कहलाने वाले प्राजक्ता से.
स्टैंडर्ड्स के स्टैंडर्ड्स बनाने वाले डॉक्टर पारेख से मैं बनी हूँ। फ्रेशर होकर ESDS का एनलाइट क्लाउड बनाने वाले और टेक्नोलॉजी दुनिया में ESDS की पहचान लहराने वाले ऋषिकेश जाधव से मैं बनी हूँ। हर पैसे को बचाने के लिए पूरी कोशिश करने वाले राहुल नागर से मैं बनी हूँ। पीयूष के हर काम को कोऑर्डिनेट कर और उसको अंजाम तक पहुँचाने वाले राजेश गायकर से मैं बनी हूँ। हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहने वाले अक्षय जोशी से मैं बनी हूँ। किसी का मेडिक्लेम सेटल किए बिना सेटल नहीं होने वाले ऋषिकेश अहर से मैं बनी हूँ। अपने बॉस को छत्रपति संभाजी शिवाजी महाराज समझने वाले अविनाश मंडलिक से मैं बनी हूँ। कैंटीन में भोजन का आनंद दररोज देने वाले प्रदीप जी टावरी से मैं बनी हूँ। मार्केट में मुझे हर जगह शोकेस करवाने वाले, लास्ट मोमेंट पर भी काम करके दिखाने वाले संदीपन से मैं बनी हूँ। अपनी वाणी में मिठास लेकिन ज्ञान में भरपूर पुरुषोत्तम उभरानी से मैं बनी हूँ। सॉक हो या नॉक, CSP हो या MSP, सारे डिपार्टमेंट का नॉलेज रखने वाले सजीव नायर से मैं बनी हूँ। कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होने पर अपनी टीम से लड़ाई कर लेकिन टीम वर्क का किताब हमेशा वही हासिल करने वाले अमित सिसोदिया से मैं बनी हूँ। बॉस होकर भी सबसे सस्ती फ्लाइट हमेशा पकड़नी है, रोज सुबह जल्दी उठकर यह मिसाल सबके लिए कायम करनी है, ऐसे समीर रेड्डी से मैं बनी हूँ। अपनी मर्यादा को कभी उल्लंघन नहीं करने वाले कर्नल दीपक आनंद से मैं बनी हूँ। अपने कंटेंट से हमेशा ESDS में हैप्पीनेस स्प्रेड करने वाले मोजेस डेविड से मैं बनी हूँ। सुबह उठकर रोज वक्त पर आना, ना कभी लीव लेना और ना कभी लेट होने का रिकॉर्ड रखने वाले लॉरिता स्वामी से मैं बनी हूँ। हर इवेंट हो या प्रोडक्ट, हर किसी को अमेजिंग वीडियो के माध्यम से दिखाने जाने वाले ESDS की ऊंचाइयों को दिखाने वाले रोहित जोशी से मैं बनी हूँ। हर बात पर हो जाएगा और करके दिखाने वाले मनोज नागेश से मैं बनी हूँ। डेटा सेंटर नेटवर्क हमेशा ऑन रहे और अप टाइम से ESDS हमेशा माला माल रहे, ऐसी जिम्मेदारी लेने वाले विनायक ठेठे और नागेश मालवल्ली से मैं बनी हूँ। नेटवर्क सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेकर और हसमुख योगेश ताजनपुरी से मैं बनी हूँ। लास्ट फ्यू पीपल लाइक यू नो सल्यूशन के इनोवेशन करके आधी रात को टेंडर फील करने वाले विवेक खरपुड़े से मैं बनी हूँ। विवेक का बाया हाथ बनकर काम करने वाले गौरव गोड़ से, योगेश दुसाने और शाहरुख शेख से मैं बनी हूँ। एनलाइट के बैकएंड को एनलाइटन करने वाले प्रवीण सोनम ने, विकास कुमार, विशाल चौधरी, विकीराज चौहान, राजगिरे, भगवान साने से मैं बनी हूँ। नेटवर्किंग के बादशाह रहने वाले किशोर शाह से मैं बनी हूँ। मैं बनी हूँ इंटरनल ऑटोमेशन में हमेशा तत्पर रहने वाले अनिल रेवगड़े से। जीरो से शुरुआत करने का चैलेंज एक्सेप्ट करके ESDS को दो डेटा सेंटर देने वाले मुर्गन से मैं बनी हूँ। एंटरप्राइज में अपने ESDS की पहचान लहराने वाले अंकुश सेठी से मैं बनी हूँ। ESDS के एनवायरमेंट को तरोताज़ा रखने वाले जनार्दन भंवर से मैं बनी हूँ। किसी भी समस्या से हार नहीं माने, मेहनत को ही अपना भगवान माने, ऐसे कचरा बाई से मैं बनी हूँ। क्लाउड हो या स्टोरेज, जेन हो या हाइपरवी, विंडोज हो या लिनक्स, सबके टेक्नोलॉजी मास्टर ऐसे प्रदीप सोलंकी, राहुल मुदावतकर, मिथिल उपाध्याय, प्रदीप पाटिल, प्रवीण रहाने, कुणाल सदावते और जॉन गुडिनो से मैं बनी हूँ। दिन हो या रात, दिवाली हो या इफ्तार, ईमेल हो या चैट या हो कॉन्फ्रेंस कॉल, कस्टमर को एक्सपीरियंस देने वाले 24/7 ऑनलाइन रहने वाले गौरांग कलाल, तौसिफ शेख, मिलिन जगजाब, सचिन नागरे, कपिल नेरकर, अरविंद बंगाली, अनिल ढगे, अविनाश रेड्डी, गोकुल बोड़खे, अक्षय भड़के, आशीष गैंगवार से मैं बनी हूँ। मैं हर उस ESDN से बनी हूँ जिसने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मुझे
ऊंचाई हासिल करने में मदद की है, चाहे वह एफएम स्टाफ हो, इलेक्ट्रिकल टीम हो, ड्राइवर्स हो, सिक्योरिटी स्टाफ हो, जिसका भी मेरे पे योगदान रहा है, मैं उससे बनी हूँ। अंतिम में कहती है कि मैं एक उस बेटे से बनी हूँ जिसने हर ESGN सिन को मोती की माला में पिरो के रखा है, जिसने हमेशा अपने ऊपर अपने लोगों को रखा है, जिसने अपने लोगों की खुशी में ही अपनी खुशी मानी है, जिसने हार मानना पता ही नहीं हो, हौसला जिसका बुलंदियों को छूने का हो। मैं उस पीयूष के अनेक बलिदानों का नतीजा हूँ। मैं ESDS हूँ। पीयूष के साथ साथ आज ESDS का भी बर्थडे होता है, क्योंकि पीयूष ने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट और ESDS की शुरुआत अपने बर्थडे से ही की है, और आज ESDS 19 इयर्स के कंप्लीट होकर 20 इयर्स में एंटर कर रहे हैं, टीनेज ख़त्म हो चुका है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने पास्ट तो बता दिया कि आप कैसे बनी हैं, आपका प्रेजेंट मैंने बिजनेस अपडेट्स में देख लिया है, लेकिन आपका फ्यूचर क्या होगा? तो वे कहती हैं मेरा रोल क्या होगा? तो वे कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि ESDS में आई शुड बी रिप्लेस विद वी। तो मैंने कहा कि कैसे? तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या कभी आपने कोई टीम देखी है जो ओलंपिक्स देखा है, किसी को मेडल लेते हुए देखा है, गोल्ड मेडल? तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने देखा है गोल्ड मेडल लेते हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कितने लोगों की टीम होती है गोल्ड मेडल जीतता है जो? तो मैंने कहा कि 1% की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ओलंपिक में का मेडल जीतता सिर्फ एक बंदा है, लेकिन उसके पीछे मेहनत अनेकों की होती है। वो चाहे कोच हो, चाहे वो न्यूट्रिशनिस्ट हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही मिशन पर काम कर रहे होते हैं, एक ही मिशन के लिए। गोल्ड मेडल से वो एक बंदे को मिलता है, लेकिन वो मिशन जो है वो बहुत लोगों का होता है। तो मैं चाहती हूँ कि ESDS में ये सब कुछ, आई शुड बी रिप्लेस्ड विद वी। तो उन्होंने कहा कि कभी F1 रेस देखिए, फॉर्मूला रेस देखिए? तो मैंने कहा हाँ। तो कितने लोग होते हैं? तो मैंने कहा वन हु इज ड्राइविंग। वो देखिए रॉन्ग, F1 फॉर्मूला रेस जीतने का नाम उसी का होता है जो वो कार ड्राइव करके ये होता है जीतता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है वो सारे टीम की होती है। वो टीम का परफेक्शन होता है जो 2.5 सेकंड में टायर चेंज करने की क्षमता रखता है, जो अपने आप को उसके लिए तैयार करता है। वो उस कार कंपनी का होता है कि जो बेस्ट स्पीड और एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। उसमें कोच होता है, हर कोई होता है। तो ऐसे ही जो हमें हमेशा दिखता है कि अवार्ड शायद सेल्स वालों को मिले, लेकिन वो हमेशा टीम वर्क होता है। और हम एक ESDS ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर मैंने आज जाना है कि हमारी चार टाइप की माता होती है, मतलब वो थोड़ा अलग जा रहा है, बट धरती माता होती है, भारत माता होती है, अभी ESDS माता है, और हमारी जननी माता होती है। ओके, लेकिन तो मैंने कहा कि हम कैसे सर्व कर सकते हैं चारों पर्पस के लिए? तो ESDS का पर्पस है 100 बिलियन ट्रीज प्लांट करना, जिससे हम धरती माता को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। डेटा का इंडिपेंडेंस जो है, मतलब हम चाहते हैं कि इंडिया को हो, ताकि हम किसी के गुलाम ना हो, तो ये हम भारत माता के लिए करते हैं, और अपने प्रोफेशनल करियर हम ESDS में करते हैं। और हमारी माँ को तो हमारे ESDS का कल्चर ही ऐसा है कि हम उन्हें हमेशा पूछते हैं। सो वर्शिप ऑल दिस फोर वुमेन्स इन योर लाइफ, एंड थैंक यू फॉर बींग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। Thank you, and because of each one of you, because of every one of us, this is what we have achieved. And next year, let's make it more magnificent. And thank you everyone, and happy birthday to ESDS, and happy birthday to Piyush. Thank you.